लास्ट क्लास में हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया था, तो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 5, रिलीम्स ऑफ द अर्थ। रिलीम्स ऑफ द अर्थ में आप जानोगे कि अर्थ की क्या क्या फैसिलिटीज़ है, अर्थ में क्या क्या कोर इन द अर्थ अपन घुसेंगे कि क्या क्या है अर्थ, ठीक है। सो इंटरेस्टिंग सा है, तो लेट्स बिगिन। लेट्स बिगिन में आपको दिया हुआ है कि रिलीम होता क्या है, ठीक है। ये वर्ड तो सबको पता नहीं है, रिलीम कॉमन तो सुनने में आता नहीं है। तो एक अर्थ आपको ऐसा प्लेनेट मिलेगा जहाँ पर लाइफ प्रेजेंट है, जहाँ पर एयर वाटर लैंड, इसका बेसिक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। देयर आर बेसिकली 4 रिलिम्स ऑफ द अर्थ, अर्थ की 4 रिलिम्स हैं। अ रिलिम ऑफ अर्थ इज अ डोमेन विद इन विच वेरियस फिनोमेना और एक्टिविटीज टेक प्लेस। रिलिम्स एक ऐसा डोमेन है, एक ऐसा हिस्सा है जिसके द्वारा सारी एक्टिविटीज़ होती है, या पूरे जितनी भी चेंजेस आते हैं अर्थ में उसी के थ्रू आते हैं। तो ऑब्जर्व एंड डिस्कस एंड डू, ऑब्जर्व द इमेज ऑफ द रिलम्स ऑफ द अर्थ एंड नेम द रिलम्स ऑफ द अर्थ बाय लेबलिंग द इमेज। यहाँ पर आपको एक इमेज दी हुई है जहाँ पर आपको एक गोला सा दिख रहा होगा, राउंड सर्कल, वो बताना है वो कौन सी रिलम्स को शो कर रहा है अर्थ की। सो ये आपका होमवर्क है। टू मेन डिवीजन ऑफ द अर्थ सर्फेस, आपको ये बताना है टू मेन डिवीजन ऑफ द अर्थ सर्फेस यहाँ पर लिखना है। आज का हमारा मेन टॉपिक है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या होता है? लिथोस्फीयर आपने नाम सुना हुआ है, पहले क्लासेस में हमने पढ़ा है लिथोस्फीयर के बारे में। लिथोस्फीयर अर्थ की एक लेयर है जो सबसे आउटर मोस्ट पर है। डू यू नो द अर्थ हैव मैनी लेयर्स? इसकी एक लेयर होती है क्रस्ट, जिसमें सॉइल, रॉक्स, प्लेन्स, हिल्स, माउंटेन्स और डिफरेंट ट्रेंचेस, सारे जितने भी पार्ट है ये अर्थ की क्रस्ट में आती हैं। अर्थ की क्रस्ट बहुत ही थिकर होती है, जो कॉन्टिनेंट्स अंडर अंडर द ओशंस होते हैं उनसे भी थिक। इट्स थिकनेस वेरीज फ्रॉम 8 किलोमीटर अंडर द ओशंस एंड 50 किलोमीटर्स अंडर द कॉन्टिनेंट्स। यानी वो 8 किलोमीटर्स अंडर, वो ओशंस के अंडर अगर जाओगे तो 8 किलोमीटर तक है, और अगर तुम खुदाई करके जाओगे कॉन्टिनेंट्स के नीचे तक, कॉन्टिनेंट्स यू नो द 7A होते हैं, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सारे क्या है, कॉन्टिनेंट्स है, आर्टिक ओशन। तो ये 50 किलोमीटर आप उसके नीचे जाओगे तो आपको अर्थ की क्रस्ट मिलेगी। दिस सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। इट इज़ लार्ज रिजर्वर ऑफ मिनरल फ्यूल्स एंड न्यूट्रिशन विच आर यूजफुल टू मैन एनिमल्स। तो यहाँ पर आपको ये पता चल गया कि ये लिथोस्फीयर क्या कितना इम्पोर्टेंट है, हमें फ्यूल्स देता है, न्यूट्रिशन देता है, हमारे लिए कितना यूज़फुल है लिथोस्फीयर। और प्लांट्स, मोस्ट ऑफ द मटीरियल्स ऑब्जेक्ट्स विच मैन रिक्वायर्ड आर सप्लाइड बाय द लिथोस्फीयर। जितने भी हमें मटीरियल्स ज़्यादा लगते हैं, ज़रूरत है जो हमारे पूरा करते हैं, वो ज़्यादातर हमें लिथोस्फीयर से ही मिलते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ सॉलिड प्लेट्स ऑफ हार्ड रॉक्स। ये किससे बना हुआ है? एक कड़े पत्थरों की सॉलिड प्लेट से बना हुआ है, जिसका लैंड मास बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, यानी वो बहुत ज़्यादा बड़े एरिया में फैला हुआ है, उसे कहते हैं हम कॉन्टिनेंट। ओके, ये वाला पैरा आ गया, कॉन्टिनेंट। हमारा अर्थ क्या था? एक बहुत ही बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट था, जिसका नाम था पंगेई, जो एक सुपर ओशन है पंथालासा का। इन ब्रोक इन टू 7 कॉन्टिनेंट्स। आपको पता है कि जो 7 कॉन्टिनेंट्स है वो पहले एक ही हुआ करते थे, जिसका नाम था पंथालासा। पंथालासा में से पैनगुया अलग हुआ, जिसने 7 पार्टों में डिवाइड हुआ, वो एक हमारा कॉन्टिनेंट बना। ठीक है, अब जानेंगे लिथोस्फीयर और उसके कॉन्टिनेंट्स के बारे में। एंटायर जो लिथोस्फीयर है वो 7 पार्ट में डिवाइड है, जिसके नाम आपको यहाँ दिए हैं। 29 अर्थ क्रस्ट जो है वो कॉन्टिनेंट है, मतलब अर्थ का जो 29वां हिस्सा है, यानी बोल सकते हैं परसेंटेज है, वो लैंड है, बाकी सब वाटर है। उसी में आपको 7 कॉन्टिनेंट मिलेंगे, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। सो लेट्स एक्सप्लोर इट। सो हियर इज़ द पिक्चर ऑफ दैट कॉन्टिनेंट्स। आई होप यू ऑल नो वेयर इज़ इंडिया। इंडिया इज़ इन एशिया। ओके, सो एशिया के बारे में जानते हैं। एशिया सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, ये लैंड फॉर्म्स में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसमें प्लेट्यूस, प्लेन, माउंटेन और बहुत सारे आइलैंड से मिलकर बना हुआ है। इसमें 20% लैंड एरिया है। माउंट एवरेस्ट जो सबसे लंबी पीक वाला है, लंबा माउंटेन कहला जाता है, वो टिबेटियन प्लेट्यू में है, और यहीं पर आपको सबसे बड़ा प्लेट्यू भी मिलेगा। सबसे लंबा पीक यानी सबसे ऊंची जगह बोल सकते हैं पूरी अर्थ पे, तो वो माउंट एवरेस्ट है, और दूसरा प्लेट्यू तो टिबेटियन प्लेट्यू। फिर डेड सी भी सब यहीं मिलेगा, जो सबसे लोएस्ट पॉइंट पे होता है लैंड मास के, एशिया में ही लाई करता है वो भी। और ये कॉन्टिनेंट बहुत ही ज़्यादा
पावरफुल है. ओके, जैसे ये आपको इमेज में मिल रहा है कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसरस के थ्रू होकर गुजरती है, मैंने आपको इसके बारे में बताया था. फिर यूरोप के बारे में दिया है कि यूरोप कहाँ होता है, तो यूरोप आप इस में देख पा रहे हैं कि एशिया के जस्ट बगल में पर्पल कलर का यूरोप दिया है. अब यूरोप के बारे में जानते हैं कि यूरोप इट इज़ अ स्मॉल कॉन्टिनेंट लाइंग टूवर्ड्स द वेस्टर्न साइड ऑफ एशिया. ये एशिया के बगल में है, ये आर्कटिक सर्कल के अबव है. ठीक है, ये आर्कटिक सर्कल के अबव है. इट मीन्स यू अंडरस्टैंड दैट कि आर्कटिक के बिलो होगा ये. अफ्रीका, अफ्रीका के बारे में जान लो कि सबसे सेकेंड लार्जेस्ट वर्ल्ड में जो कॉन्टिनेंट है. अफ्रीका में बहुत सारे टाइप के लैंड पाए जाते हैं, डेजर्ट्स, माउंटेन, प्लेट्यूज, वाटर बॉडीज, रिवर्स, बहुत कुछ है. और यहाँ पर जो इक्वेटर है वो इसको दो भागों में बांटता है, यानी इक्वेटर जो जस्ट के मिडल से गुजरता है. दिख रहा है आपको इक्वेटर? आई होप यू ऑल कैन सी इक्वेटर इज मिडल एरिया ऑफ इक्वेटर, और ये अफ्रीका के बीचों बीच से गुजर रहा है. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी इधर से गुजरता है. अगर आपसे पूछा जाए कि तीनों किससे गुजरते हैं, एक अगर कॉन्टिनेंट का नाम बोले तो वो अफ्रीका होगा. नेक्स्ट है नॉर्थ अमेरिका. नॉर्थ अमेरिका कहाँ है ये आपको दिख रहा है इस डायग्राम में. नॉर्थ अमेरिका ऊपर साइड रहता है और साउथ अमेरिका नीचे रहता है, तो ये आप याद रखेंगे. यहीं पर आपको इस्थमस, जो पनामा का लैंडफॉर्म है जो सबसे फेमस है, यहाँ पर ही पाया जाता है, इसी के आसपास. फिर साउथ अमेरिका में जानने लायक क्या है, साउथ अमेरिका में सबसे बड़ी रिवर फ्लो करती है जिसका नाम है अमेज़न. ओके, और ये पैसिफिक और अटलांटिक ओशन से घिरा हुआ है, तो ये आपको जानने का इंपॉर्टेंट था. ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते हैं. ऑस्ट्रेलिया चारों तरफ से ओशंस और लैंड से घिरा हुआ है. ये बिल्कुल एक टापू टाइप का है. एज यू कैन सी दिस पिक्चर, पिंक कलर का जो दिख रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया है. ये चारों तरफ से घिरा हुआ है पानी से, इसलिए इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट कहा जाता है. नेक्स्ट है एंटार्क्टिका. एंटार्क्टिका बहुत ही बड़ा साउदर्न हेमोस्फियर है. इसके बारे में आपको मैंने जाना है कि इसको साउथ पोलर रीजन भी बोलते हैं इसके यहाँ, इसलिए 6 महीने यहाँ पर ठंडे, 6 महीने यहाँ पर दिन, 6 महीने रात रहती है. ये भी मैंने आपको समझाया था. और यहाँ पर दक्षिण गंगोत्री, मैत्रेयी, भारती, ये सारे नेम हैं इसके रिसर्च सेंटर्स के जो एंटार्क्टिका में इंडिया ने सेटअप किए हैं, तो ये भी आपको याद रखने हैं क्योंकि इंडिया ने सेटअप किया है तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है ही. यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए यहाँ पे कोई भी परमानेंट सेटलमेंट नहीं है ह्यूमन के. बस यहाँ पर क्या है, 4 सेंटर्स डले हैं इंडिया के, दक्षिण गंगोत्री, मैत्रेयी और भारती. ठीक है, ये आपको याद रखना है. फिर यहाँ पर आगे लेट्स ट्राई वन मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगी. तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. आई होप यू ऑल एन्जॉय दिस सेशन. गुड बाय.